नहीं हो पाएगी। पिछली बार 73 सांसद उनके चुने गए थे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार 30 प्लस नहीं जाने वाला है, 30 माइनस ही उनका होगा। रोज़गार की चिंता है, रोज़गार दिनों दिन घटते हुए जा रहे हैं, और जब तक रोज़गार ही उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक चाहे किसी भी क्षेत्र में हो भारत उन्नत नहीं कर सकता। और आप विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं बाहर से हमारे पास, आपने नारा दिया था मेक इन इंडिया का, और जब हमारा सारा पैसा बाहर चला जा रहा है तो मेक इन इंडिया का कोई मतलब नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त मौजूद हूं मैं आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज क्षेत्र में। यहां पे एक मेरे साथ आप देख रहे हैं जैसा कि एक सज्जन बैठे हैं, इनका नाम हिमांशु सिंह है, और मैं इनसे आज कुछ चीज़ों पे बातचीत करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 का चुनाव बिल्कुल सर पे आ खड़ा हुआ है, और सारे देश में बस एक ही इस वक्त, चाहे वो फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, बस एक ही चीज़ चल रही, ट्रेंड हो रही है कि 2019 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्या जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी पे भरोसा जताएगी, या फिर राहुल गांधी एक नए प्रधानमंत्री के तौर पर निकल करके आएंगे देश के सामने? क्या राहुल गांधी में वो क्षमता है? क्या नरेंद्र मोदी के पिछले किए गए कार्यों के आधार पे उनको वापस सत्ता में आना चाहिए? तो इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि आप एक चिंतक भी हैं, समाज के अच्छे चिंतकों में से आप गिने जाते हैं हिमांशु जी, तो इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या जो पिछले कार्यकाल हैं सरकार के, 4.5 साल में सरकार ने जो किया, उसके बदौलत वापस उन्हें एक बार फिर सत्ता में आना चाहिए कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे हिमांशु जी से। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हिमांशु जी, बताइए, 2019 का चुनाव बिल्कुल सामने है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर के जगह जगह प्रचार प्रसार में लग गई हैं, नेता एक दूसरे को लुभाने का काम फिर से शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है आपको, इस बार 2019 में क्या मोदी जी वापस आएंगे या राहुल गांधी? इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए तो जा रहे हैं, रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन वो रूपरेखा जा कहाँ तक रही ये किसी को पता नहीं है। जैसे उन्होंने गंगा सफाई की बात किया, तो गंगा जी के लिए उन्होंने करोड़ों का पैकेज निकाला, लेकिन वो करोड़ों रुपए तो खत्म हो गए, लेकिन गंगा जी साफ कहाँ हुई, वो जस की तस पड़ी हुई है। आप जहाँ तक मैं जानता हूँ, लगभग आप फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं, और आपकी हर एक लगभग पोस्ट में मैंने देखा है कि सरकार से जुड़े कामों की आप सराहना करते हैं और उसकी अच्छाई बताते हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज उल्टी धारा कैसे बह रही है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये कोई उल्टी धारा नहीं है, मैं अच्छाइयों को भी बताता हूँ, बुराइयों को भी के भी बारे में बात करता हूँ। अगर आप मेरा फेसबुक अकाउंट चेक करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें समान मिलेंगी। हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, जो उनके द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है उसको आप अच्छा कहिए, जो नहीं अच्छा हो रहा आप उसको बुरा कहिए, तभी आप देश को। मोदी जी के अब तक के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? कहीं न कहीं मैं क्या, सारी जनता कहीं न कहीं असंतुष्ट जरूर है, क्योंकि जो उनके कार्यकाल, उनकी जो विदेश नीतियाँ हैं वो तो जनता को अच्छी लग रही है, लेकिन जो देश के अंदर की नीतियां हैं वो मुझे नहीं लगता है कि एक मध्यम वर्गीय या एक छोटे कास्ट के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उज्ज्वला गैस की बात कर लीजिए उन्होंने। अगर मैं बात करूं सरकार की 3 सबसे बड़ी योजनाओं की जो आपके हिसाब से सक्सेसफुल हुई हैं, उनमें से किसका किसका नाम लेना चाहेंगे? शायद मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूँ, उन्होंने कहा कि मैंने गैसों का वितरण कर दिया हुआ, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि आज के डेट में वही गरीब आदमी 1,000 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है, फ्री में तो हमने सिलेंडर बांट दिया, लेकिन अब उसमें सब्सिडी, लोग कह रहे हैं सब्सिडी भी तो मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर वो कह रहे हैं सब्सिडी भी सरकार दे रही है, उसको आप क्यों भूल जा रहे हैं? सब्सिडी किसको मिल रही है? सब्सिडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप हमसे 1,000 रुपए 1,200 रुपए ले रहे हो, 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आप हमें 300-350 रुपये वापस कर रहे हो, और कई बार ऐसे होते हैं कि बैंक में लिंक तो है हमारा खाता, लेकिन एक दो बार सब्सिडी नहीं है। अगर ऐसे ही हर एक आदमी का एक बार, अगर पूरे साल में अगर एक बार सब्सिडी ना हो तो फिर आदमी के साथ ही छलावा ही होगा। और अगर मैं कहना चाहूँ कि फिर आप अगर बदलाव की बात करें, आपके हिसाब से मुझे लगता है कि आप आश्वस्त नहीं है कि दोबारा नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस आएंगे, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं वो यथावत पड़ी हुई हैं, जो कांग्रेस के जमाने में थी वो आज भी हैं, कहीं ना कहीं उनका सलूशन जो करने की बात कही थी वो हुआ नहीं, समस्याएं और बढ़ गई, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बढ़ गई। सबसे बड़ी रोजगार की चिंता है, रोजगार दिनों दिन
घटते हुए जा रहे हैं और जब तक रोजगार ही उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक चाहे किसी भी क्षेत्र में हो भारत उन्नत नहीं कर सकता। स्किल इंडिया सरकार ने चलाया, कहा कि लोगों को सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपको क्या लगता है, स्किल इंडिया सफल हुआ या फिर वो भी अन्य योजनाओं की तरह से बस योजना ही रह गई? ये भी ठंडे बस्ते में ही चला गया है, मुझे इधर कहीं नहीं दिख रहा है कि स्किल इंडिया के तहत किसी को प्रशिक्षण मिल रहा है या कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हों। ये तो मुझे लग रहा है 100% ये भी ठंडे बस्ते में ही है। सरकार जब विपक्ष में थी, भाजपा जब विपक्ष में थी 2014 से पहले, उस वक्त भी जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने जीएसटी लाने की बात कही थी तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये आत्मघाती फैसला है और फिर जब सत्ता में आए तो फिर उसी चीज को कर दिया। एफडीआई के मुद्दे पे सरकार का हमेशा विरोध हुआ, 49-51 का रेशियो था और भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई तो 100% दे दिया एफडीआई में विदेशी कंपनियों को। आपको क्या लगता है कि देश में क्या वो टैलेंट नहीं है या देश के लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है? बिल्कुल छलावा किया जा रहा है, देश के अंदर टैलेंट है और बस हमें उस टैलेंट को देखना है, परखना है, तभी हम उस चीज़ को आगे कर सकते हैं। और आप विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं बाहर से हमारे पास, आपने नारा दिया था मेक इन इंडिया का, और जब हमारा सारा पैसा बाहर चला जा रहा है तो मेक इन इंडिया का कोई मतलब नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि ये बस एक छलावा भी है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया करते करते और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो चाइना को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, और हमसे कहा जाता है, जनता से कहा जाता है कि आप लोग चाइना के सामानों का बहिष्कार करें, तो आपको नहीं लगता कि सरकार की दोहरी मानसिकता है? बिल्कुल। क्या इंडिया में ऐसे लोग नहीं है, ऐसे इंजीनियर्स नहीं है, ऐसी कंपनियां नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बना सके? बिल्कुल है, हमारे देश में सबको पूरे विश्व को पता है कि हमारे देश में कितने अनुभवी या कितने टैलेंटेड लोग हैं, बशर्ते यूज़ उनका आप किस प्रकार से उनका यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम बस बात करते हैं लेकिन परखने की कोशिश नहीं करते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में किस तरीके के लोग हैं। जितने भी योजना या जो भी चीज़ें होती है सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि आप ज़मीनी स्तर पर काम करें, ज़मीन से जुड़िए, उनके नेता हो चाहे उनके विधायक हो, जमीन से जुड़ेंगे, जनता का हर बात को सुनेंगे तो फिर शायद ये चीज़ अच्छा हो सकता है। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एक बात कही जाती है कि सत्ता के गलियारों की चाबी या सत्ता से जाने का रास्ता, सत्ता तक जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है। आपको क्या लगता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा, जिस तरह के उनके कामकाज रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पिछली बार उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, यहाँ से बहुत ज्यादा उनके सांसद चुने गए थे, क्या इस बार भी वो इतिहास दोहराने में कामयाब रहेगी भाजपा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। पिछली बार 73 सांसद उनके चुने गए थे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार 30+ नहीं जाने वाला है, 30- ही उनका होगा। क्योंकि मोदी जी जब स्टार्टिंग में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक सब सांसदों को एक गाँव गोद लेने की बात कही और सभी सांसदों ने एक एक गांव गोद भी लिया। लेकिन मैं आजमगढ़ जिले से निवास करता हूं, बगल में अतरौलिया है जहां पे सांसद सोनम जी हैं और वो बीजेपी से ही हैं और उन्होंने एक गांव को गोद लिया, लेकिन उस गांव की दुर्दशा या दशा को आप देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इनके सांसदों ने क्या काम किया है। अब जल्दी ही वहां पे भी जाएंगे, अतरौलिया का एक क्षेत्र है लोहरा, एक गाँव है जहाँ पे सांसद जी ने गोद लिया था, उसको नीलम सोनकर जी ने गोद लिया था, वहाँ की भी दशा देखेंगे। ओवरऑल जो प्रधानमंत्री ने सांसद लोगों के द्वारा गांव को गोद लेने की स्कीम चलाई थी, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो योजना पूरी तरह से फ्लॉप हुई है, उसमें कहीं भी कोई सुधार नहीं हुआ है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल फ्लॉप हुई है। प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए सांसदों के लिए अलग नीति की व्यवस्था भी की थी और अगर आप आज भी उस नीति को चेक करें तो उन खातों से एक भी रुपये खर्च नहीं हुए हैं, अर्थात सांसद ने कोई काम ही नहीं करवाया है और गांव की स्थिति जैसे पहले थी अब शायद उससे भी बदतर स्थिति हो चुकी है। इतनी सारी बातें हमने कर ली लेकिन अभी तक मेरे उस सवाल का जवाब आपसे नहीं मिला है, बस एक लाइन में जानना चाहता हूं आपसे कि 2019 में किसकी सरकार? ये कहना मुश्किल है, 50-50 के चांसेस हैं। 50-50 सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप किसे देखते हैं? बीजेपी को ही देखते हैं, क्योंकि सरकार बना पाएगी, मैं बोला 50-50%। हाँ, हो सकता है कि कुछ पार्टियां टूटे, खरीद फरोख्त हो तो फिर हो सकता है, खरीद फरोख्त चलेगा तो जाके संभव हो सकता है। अगर मैं आप बात करूं कि आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन से हैं,
चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, या कहीं किसी भी क्षेत्र के नेता हों, आपके पसंदीदा नेता कौन हैं? आप क्या कहेंगे उनके बारे में? सबसे पसंदीदा नेता कौन से हैं आपके? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, लेकिन आप तो मोदी जी के फैन हुआ करते थे, क्या हो गया? नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल को ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उनमें दम है और वो जो भी बात करते हैं जमीन से जुड़ के बात करते हैं। बाकी सबकी तो अच्छा लगता है। अरविंद केजरीवाल का आपको क्या अच्छा लगता है? वो जो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा सड़क पे निकल जाते हैं, हमेशा लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उस चीज़ को जानने के लिए। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री अगर जनता के बीच में ऐसे पहुंच रहा है तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने एकदम साफ कर दिया कि हमें किसी लाव लश्कर की ज़रूरत नहीं है, हमें गाड़ियों के काफिले की ज़रूरत नहीं है, हम बस ज़मीन पर रहने वाले इंसान हैं, ज़मीन के लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। अगर बात विकास की जाए, अरविंद केजरीवाल ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश गढ़ है जाति और धर्म की राजनीति का, है ना? आपको क्या लगता है, क्या विकास के मामले में अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव, एक टैग लाइन है कि काम बोलता है, आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने काम किया था? बिल्कुल, मैं, आप मेरे फेसबुक अकाउंट को भी चेक करेंगे तो मैं अखिलेश के कामों की गिनती हमेशा करता रहता हूँ। और जब से योगी जी की सरकार बनी है, सिर्फ उनके कामों को अपने नाम से टैग कर रहे हैं। बाकी अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा काम उन्होंने स्टार्ट किया जो योगी जी के नाम से शुरू हुआ हो। बाकी सारे काम अखिलेश के ही हैं जो अब तक वो बस नाम चेंज कर रहे हैं। यानी आपको लगता है कि सपा सरकार ने काफ़ी काम किया था, फिर जनता ने नकार क्यों दिया? होता है कि हम काम तो करते हैं, लेकिन जनता के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हम अपनी बात को पहुँचा नहीं पाते हैं। ये गलती उनके नेताओं की थी, उनके विधायकों की थी कि अखिलेश जी के द्वारा जो किए गए काम थे उन कामों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। अगर वो जनता तक पहुंचा देते तो शायद स्थिति नहीं होती। आखिरी सवाल आपसे कि अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी खड़े हैं, दोनों ही पीएम कैंडिडेट हैं, अगर आपसे कहा जाए चुनना है आपको इन दोनों में से, तो आप किसे चुनेंगे? डेफिनेटली मैं मोदी जी को ही चुनूंगा, क्योंकि दोनों लोगों में अलग अलग क्वालिटी है। मुझे तो मोदी जी में क्वालिटी दिखती है, लेकिन गांधी जी में कोई क्वालिटी नहीं दिखती है कि वो इस तरीके के नेता बने कि वो देश को आगे ले जा सके, क्योंकि उनकी पास किसी से बात करने की शैली नहीं है, या अपनी बात को किसी के सामने रखने की शैली नहीं है, या किसी काम को करने की शायद क्षमता उनके पास नहीं। लोग कहते हैं कि शांत रह के भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, लेकिन उनके काम बोलते थे, और जो बोलते हैं लोग कहते हैं उनके काम नहीं बोलते हैं, क्या कहना है? नहीं, मनमोहन सिंह ने काम किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके कामों को वे अपने उनके कामों को उनके लोगों ने सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। अगर सही तरीके से अंजाम दिया होता तो फिर शायद सही होता, क्योंकि उनके जो विधायक मंत्री थे वो सिर्फ लूट खसोट में ही पड़े रहे, इसीलिए कितने कानूनी अड़चने उनके लिए आई हैं। तो ये है हिंदुस्तान की आम आवाम, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित नौजवान जो सोचते हैं देश के बारे में कि किस तरह से। आपने देखा कि मिला जुला इनका पूरा जो इन्होंने बताया ब्यौरा था, इनका पूरा मिला जुला रहा। कहीं उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यों को सराहा, तो कहीं योगी को कहा कि वो अखिलेश के कार्यों की क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन बात जब आई तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि 50-50 के चांसेस हैं, भाजपा पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी। हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आए, लेकिन सरकार किसी की पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी। हालांकि राहुल गांधी के मुद्दे पे आने के बाद उन्होंने बिल्कुल एक लाइन में कहा कि अगर मुझे दोनों में से किसी को चुनना है तो मैं नरेंद्र मोदी को चुनूंगा। तो काफ़ी लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी की आज भी लोगों के बीच में। हालांकि पहले जैसी चीज़ें, जो उनका एक जलवा था वो पहले जैसा नहीं रहा, वो जलवा बरकरार नहीं रहा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है। हमने अभी बात किया है हिमांशु जी से, जो कि एक बहुत ही समाज के चिंतक हैं, पेशे से शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, अच्छी बुरी चीज़ों को बताते हैं, देश के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, किस तरह से अपने देश की राजनीति हो या दशा दिशा को किस तरह से एक नई दिशा दी जाए ताकि देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो। तो इस तरह से युवाओं का रुझान जो आ रहा है लगातार, हम अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि कौन बनेगा 2019 में देश का प्रधानमंत्री। तो इस तरह के प्रोग्राम हम आपको और भी दिखाएंगे, आप बस देखते रहिए हमारे साथ CIB इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।